गिरिराज जी परिक्रमा में ही छोड़ बस लेकर कर भाग गया ड्राइवर, सामान और पैसे भी ले गया। एसपी से शिकायत। शिवपुरी जिले की पिछोड़ तहसील के ग्रामीणों ने आज बस ऑपरेटर की शिकायत एसपी से दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि सभी ग्रामीण बस में सवार होकर गिरिराज जी परिक्रमा करने गए हुए थे, लेकिन बस ड्राइवर बस सहित उन्हें गिरिराज जी परिक्रमा में ही छोड़कर भाग आया। ग्रामीणों ने एसपी से बस ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई और बस में रखा उनके पैसे, बैग, सामान आदि दिला जाने की गुहार लगाई है। शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पिछोड़ तहसील के तेजारपुर, हिनोतिया, नेगमा, चक्राजापुर आदि कई गाँव के लगभग 100 ग्रामीण गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गिरिराज परिक्रमा के लिए गए हुए थे। इसके लिए उन्होंने 70,000 रुपए में शर्मा बस सर्विस की बस की थी। बस ऑपरेटर ने अनफिट बस भेज दी थी। बीच रास्ते में बस खराब होने के चलते बस स्टाफ ने 10,000 रुपए और लिए थे। वहीं बस गिरिराज परिक्रमा स्थल पर पहुंच गई थी। सभी ग्रामीणों का सामान, बैग आदि बस में रखे थे, लेकिन बस ड्राइवर परिक्रमा के दौरान बस लेकर शिवपुरी भाग आया। इसके बाद सभी ग्रामीण आज ट्रेन में सवार होकर शिवपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद शिकायत करने सीधे एसपी ऑफिस आए। इस मामले में शर्मा बस ऑपरेटर राजेश शर्मा का कहना है कि 63,000 रुपए बस का ठेका देव कुमार ने किया था। 65 सवारियों को ले जाने की बात हुई थी, लेकिन बस में क्षमता से अधिक 100 से ज्यादा सवारियों को बैठा दिया गया। इसके चलते दिनारा के पास बस खराब हो गई। इससे भड़के ग्रामीणों ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी थी। फिर बाद में दूसरे ड्राइवर को रवाना किया था। मोरे नागरा के बीच बस की वायरिंग में धुआं उठा था। इसके बाद दूसरे ड्राइवर की भी मारपीट कर दी थी। वहीं मथुरा में ड्राइवर कुछ दूर बस लेकर खड़ा रहा था, लेकिन सवारी नहीं पहुंची। बाद में सवारियों के ट्रेन ने सवार होने की सूचना के बाद बस ड्राइवर बस लेकर शिवपुरी वापस आ गया। नाम है आपका? राम सिंह। पिताजी का क्या नाम है आपका? हेरू। कहाँ रहते हो आप? नोतिया। थाना कौन सा लगता है? मायापुर। मायापुर, हाँ सर। अभी कोतवाली में आप आए, क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या सर, जिले के आए जी, आप हमारी मदद करो तो कर सकती हो। हम लोगों के क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ में बहुत बड़ी घटना हो गई है। क्या घटना हुई बताओ? वृंदावन गिरिराज की परिक्रमा देवे गए थे। कहीं से गए थे? नहीं, बस ले गए थे स्लीपर। अच्छा, कितने लोग गए थे आप टोटल? 70-80 आदमी थे। आओ, एक बस ले गए थे? एक बस ले गए थे करके पूरी। हाँ, अच्छा, फिर वहाँ पे 80,000 रुपया लेके भाग गया वहाँ से। और लेके भाग गया भाई वो बस वाला? अच्छा, वही छोड़े आया था। कहाँ पे छोड़ दिया आपको? मथुरा में, गिरिराज की परिक्रमा में छोड़ा था। हम तो परिक्रमा लगाते रह गए थे, हमें वहाँ कोई बस नहीं मिली थी सर। अच्छा, आप परिक्रमा लगाने चले गए थे? हाँ। तो वहाँ से लौट के आए तो आपको बस नहीं दिखी? बस नहीं मिली सर। ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया बस वाला? हाँ। पता नहीं आपको? हाँ। कौन सी बस थी? बस स्लीपर बस थी, राजा डाकू की। गाड़ी का नाम? श्री साई। श्री साई है सर। कहाँ की गाड़ी थी? सीपरी की। कौन की बस थी? बस नाम क्या बताया? राजा डाकू। अच्छा, तो जहाँ पे आगे आपने क्या कुछ बोला उनसे? पर बस मुझे बोला कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। एसपी साहब यहाँ गए हम रिपोर्ट करने के लिए, उनने यहाँ कोतवाली भेज रहे सर। उनने सर ने बोल दी उनने? नहीं, राजा से आपने बात करी? राजा साहब से साहब, हमने उनकी सकलाई नहीं देखी भी, कैसे हैं, कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं सर। राजा डाकू का क्या नाम है? मेरा नाम दीप कुमार यादव। क्या कह रहे हो आप? राजा डाकू का जो लड़का है ना, मैंने आप भी गए थे साथ में? साथ में गए थे सर हम। हाँ, फिर बताओ। 80,000 रुपए लेकर जी हमारे भाग गया, बैग मैग पूरे जो सामान था वो पूरा लेकर चला गया। बस कौन की थी? राजा डाकू की थी, सतीश मुकेश शर्मा की गाड़ी थी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, उसका लड़के को हमने पर वीडियो जो पैसे दिए उसको 8,000 रुपए। आपने कितने पैसे दे दिए थे? 80,000 रुपए। तो 70,000 नगद दे दिए? 70,000 रुपए नगद दिए, 8,000 रुपए फोन पे से किए, 2,000 रुपए का डीजल डलाया था, यानी 80,000 रुपए। अच्छा, ये बता फिर वहाँ से यहाँ कैसे आए तुम? हम ट्रेन से आए बिना टिकट से, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी खाना हमने फिर ही आए वहाँ से। आप ट्रेन में बैठे, आपने बता दी होगा जो घटना हुई ट्रेन में? हमने मथुरा में भी रिपोर्ट की। मथुरा थाने में रिपोर्ट डाली आपने? डाली सर। उन्होंने किया तुम उधर ही इसको बातचीत नहीं करवा दी ना तुम इधर के चक्कर में। और हमने सुबह इससे बोला कि हमारे पैसे वापस कर दे राजा डाकू से, तुझे बोला कि एसपी में एसपी इंचार्ज से चले, आपका कुछ काम नहीं होगा। मैं खरीद लूंगा सब क्या करेगी मेरा? अच्छा, खरीद लूंगा तुम जो कर पाओगे वो कर लो। इसलिए हमने पर हमने पीछे अब क्या चाहते हो आप? हमारे पैसे वापस कर दे और हमारा पूरा सामान मिल जाएगा। सामान मिल जाए हमारा पूरा, हर इंसान का बैग में सब वही गाड़ी में पूरा सामान आपका वही में है। बस आप परिक्रमा लगा रहे थे वो बस भग गई। एक जने रखा भी छोड़ गया था सब, लेटर गया तो पीछे करके बांध ले भगा। और सब परिक्रमा आपके कपड़े लगते, मोबाइल फोन सब पैसे भी लगे थे उसमें? बैग में कम करीबन एक बैग में 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक उसमें बैग खर्चे का होंगे। कम से कम उसमें लगभग 30,000 रुपया था, और यानी 3 मोबाइल थे, चार्जर थे,
कपड़े थे, जूते चप्पल थे, बता रहे हमारे आधार कार्ड भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट भी थे उसमें, जनता के हमारे जनता के क्या नाम है भैया तेरा? राजकुमार। अच्छा पिताजी का नाम है आपका? कहाँ रहते हो? सकनवास। क्या करते हो? गाड़ी चलाते। बस चलाते हो? कौन सी बस? शर्मा बस। शर्मा बस। अच्छा अच्छा जी, आदिवासियों की ये मामला है आज, ये आप ही लेके गए थे बस? बिल्कुल। कौन कौन थे आपके साथ ड्राइवर? एक और आप बता रहे थे एक को? सर साहब पहले मैं गाड़ी अकेला ले गया था। हाँ। उसके बाद में गाड़ी खराब हो गई, वो मिस्त्री भी है ड्राइवर भी है। हाँ। क्या नाम है उसका भैया? रात में झांसी पुलिस आई थी। हाँ। नहीं उसका क्या नाम है उसका जो ड्राइवर? सत्यप्रकाश रावत। सत्यप्रकाश रावत। कहाँ गए थे? वो भी सोनवास का ही था। अच्छा 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 ठीक है। फिर तो इनने ना पुलिस बुला ली वहाँ पे झांसी पुलिस, उन्होंने जाते में वो जब क्लिच फेल हो गई सीपीडी से जहाँ से गए आप तो गाँव से उठा गए झांसी होती डबरा दत्ती होती निकल ली थी गाड़ी। कहाँ से उठाया था? रन्नौत, रन्नौत गाँव में से आसपास निकले थे आप लोग? बाद निकले क्लिच फेल हुए, उन्होंने पुलिस बुला ली थी तो पुलिस दिनारा पे बता रहा दिनारा पे खराब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने मेरे मोबाइल फॉल भी छीन लिए थे, तो उनकी दिक्कत में भगते है नहीं, मोबाइल ले लो कोई दिक्कत की बात नहीं। पुलिस आ गई थी मेरा मोबाइल दिवा दिया था, बोले रात में बेटा कि तू गाड़ी वो मिस्त्री मंगवा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने इन्हें फ़ोन लगा तो रात में 1-1.5 बजे पहुँच गए, तो रात में ये सबको पूछ लो आप, पूरी रात हमने काम किया था गाड़ी में, सुबह क्लिच प्लेट खराब थी उसकी, क्लिच प्लेट मंगवाई नहीं डलवाई, उसके बाद में हम वहाँ से निकल भी दिए। रास्ते में वायरिंग वायरिंग में आग लग गई थोड़ी, कोई सिस्टम तो उसमें गाड़ी में धुआं भर गया, तो ये सब सवारी अपनी खिड़कियों से ऐसे वैसे खून के भग गई। तो वहाँ थोड़ी मुझे जानकारी नहीं है कि इसने, मैं तो गाड़ी चला रहा था, इसने क्या क्या दी और ये आपस में मैं खोचड़ मोचड़ हो गई, तो ये टाली पर माली ले गए, जो भी सिस्टम बना वहाँ से शांत करके हम वहाँ ले गए, तो वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन कब सही हो गई थी सुबह? हाँ वो तो सही तो हाल ही हमने कर ली थी वो, जब कितने बजे निकल गए थे आप दिनारा से? फिर दिनारा से नहीं, दिनारा से तो हम वहाँ पहुँच गए थे सर, ये तो लगी है मुरैना के लगभग जो वायरिंग में आग लगी। अच्छा 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 कर गए थे हम वहाँ से भक्के क्यों आए तो इनको छोड़ के? सुनो तो ना जो बोल रहे थे कि इनके लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे इन्हें मारेंगे गांव तक ले चलो ऐसा वैसा, बस सर इसी के डर नहीं। जो वृंदावन इनका कहना है, जो वहाँ पहुँच गए थे हम परकम्मा लगा रहे थे, हमारे कपड़े लगते साहब पूरे बस में रखे हैं साहब, और जब हम वहाँ से लौट के आए तो बस हमें नहीं मिली। बिल्कुल रखते हाँ, तो लेके कौन भग आया वहाँ से? बस हम दोनों ही थे सर। तो बस लेके आप काली बस को ले, इनको लेके कौन नहीं आया साथ में? सर ये वो आप वो तो दर्शन करने गए थे नहीं, आप मेरा मतलब ये है जो परकम्मा आप छोड़ के जब आप जहाँ से ले गए ये बोल रहे थे इनको गाँव तक ले चलो इनको। अरे तो भाईजान आपकी फुल जिम्मेदारी बनती है आपके साथ में, आप इनको लेके गए, आपकी तारीफ भी कर रहे हैं जो लोग, लेकिन वहाँ से छोड़ के कैसे भगया है आप इनको? सर यही कारण है। क्या कारण था? कैसा ये लोगों से बोल रहे होंगे इनको मारेंगे ये वो, ये मतलब तो मारेंगे तो आपको मारेंगे, इसलिए आप छोड़ के भगया क्यों मारेंगे? अरे तो आपने आपने तो मदद करी, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके रहो मारा तारीफ कर रहे हैं सर, क्योंकि मैंने तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं किया। आप हाँ। पूछ सकते हैं इनसे आपकी नहीं, आपका तो कह रहा है वो हाँ? ये बेचारा सही है जैसे आपके सामने बोल रहा है ये। तो आप इनको जो चुड़वाया है वो कैसे आए यात्री लोग? ट्रेन से आए, ट्रेन से आए।